नमस्कार, आखिर सीवर न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। सीवर चौधरी चरण सिंह जयंती बेलसठ विधायक के कॉम्प्लेक्स में मार्केट में मनाई गई। जी हाँ, वहीं पर बहुत सारे आरजेडी कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं किसानों की हक की लड़ाई की बात की गई। वहीं आरजेडी के जिला अध्यक्ष इश्ताक अहमद खान और बेलसठ के विधायक संजय कुमार गुप्ता ने कहा कि हर पंचायत में जाकर किसानों की समस्या जानेंगे और किसानों की हक की लड़ाई को मजबूत करेंगे। आइए हम सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आज का दिन चौधरी चरण सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री जी का आज जयंती समारोह है। उन्होंने किसान के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिए। आज हमारी पार्टी आज से किसान का जो स्थिति है, दयनीय स्थिति है, उससे आज से हम लोग शुरुआत किए हैं। पहले से भी करते आ रहे हैं, लेकिन अभी देखिए भारत में पंजाब के लोग जो कृषक हैं, अपने हक हुकुम के लिए 12 आदमी शहीद हो गए। 12 आदमी शहीद है, 33 आदमी बैठे हुए हैं, 12 आदमी शहीद हो गए। और उसके बाद भी बिहार में जो किसान की स्थिति है, अभी सरकार ने, हम लोगों ने, विपक्षी ने हल्ला किया, तेजस्वी यादव जी ने हल्ला किए, तो पैक्स अब स्टार्ट किए हैं 3 दिन पहले खरीदने के लिए। जो किसान का फसल था, जो 800 से लेकर 900 के रेट में धान, किसान जो मजदूर है, पेट पालने के लिए अपना अनाज 900 के रेट में बेच दिया गया। आज जो ही जो पैक्स के द्वारा खरीदारी हो रहा है, 1865 रुपया में खरीदारी धान हो रहा है, वही धान खरीदारी हो रहा है, और मात्र 5% किसान का धान जाएगा और 95% का वो धोखाधड़ी कर रहा है। और बिजनेसपति से लेकर और 1000 रुपया का जो त्याल मेल है, वह बंटवारा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। हम आज से हम लोग पंचायत बार जाकर हम किसान का जो 3 समस्या है, पहली समस्या है कि मूल निर्धारण, न्यूनतम मूल्य क्यों, हमारा सामान 1835 रुपया में बिकना है, सरकार का रेट है, तो 900 रुपया में क्यों बिकेगा। दूसरी बात कि जो हमारा कानून बना है कि हम भंडारण कर सकते हैं, भंडारण में हमारे जो गरीब आदमी है, धान बेच लेंगे 900 रुपये रेट में बेच लेंगे, वो 2500 रुपये बेचेंगे, उस पर कोई सरकार का कानून नहीं है कि हम उस पर 900 का माल 2500 में बिक रहा है, उस पर सरकार का कोई कानून नहीं है। दूसरा कारण इसके लिए लड़ाई करना है। तीसरा कि जो भंडारण है, जो मूलतम रेट है, मूलतम रेट पर क्यों बात होगी, सब चीज का मैक्सिमम प्राइस है, धान चावल अगरम बगरम जो सरकार का फैक्ट्री है उसका मैक्सिमम प्राइस आता है, और हमारे किसान का जो सामान है उसका न्यूनतम प्राइस मूल्य क्यों, हमारा मूल मैक्सिमम प्राइस होना चाहिए कि इससे बेसी कोई खरीदे नहीं ना कोई बेचे, न्यूनतम जो रेट है उस पर काम हो। हमारी पार्टी ये करना चाह रही है, हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। हर पंचायत में जाकर किसान को हम बताएंगे कि आपके साथ जो केंद्र सरकार है वह गड़बड़ कर रही है, आपके साथ जान मारने की धंधा कर रही है, आपके भूखे मारकर आपको मरने पर कोशिश कर रही है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जन्म दिवस लोग मनाते हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने स्पष्ट ये दिया है कि हम इसको किसान गोष्ठी के रूप में मनाएंगे, और जो 9 वर्ष हमारा आ रहा है उसमें हम बधाई किसी को नहीं देने जा रहे हैं। हम संकल्प लेंगे कि साहब किसान को हम कैसे मजबूत करेंगे, और किसान की लड़ाई बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ी जाएगी, यह स्पष्ट है। थोड़ा ठंड है इसलिए सारे लोग थोड़ा सा ये है, एक समय आ जाएगा जैसे ठंड खत्म होगा, ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर इसको सक्रिय किया जाएगा, किसान के मैटर को उजागर किया जाएगा, और किसान को मजबूत करने की बात हमारे तेजस्वी यादव ने शुरू किया है। जितने भी कार्यकर्ता नीचे से ऊपर तक, जितने विधायक हमारे हैं, वह सभी बहुत सक्रिय होकर के इसको अंजाम देंगे। और ये किसान आंदोलन क्यों है और कैसे है, इसका अच्छी तरह से लोगों को समझ लेना होगा। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, वह हर ब्लॉक लेवल पर हम लोग इसकी गोष्ठी करेंगे, और वहां पर इस बात को रखा जाएगा कि इसमें मैटर ही क्या है। जो 3 कानून अंधा कानून की बात बार बार हो रही है, वो कानून है क्या चीज, इसके मंथन के लिए हम लोग ब्लॉक लेवल पर शिविर लगाएंगे, हो सकता है कि पंचायत लेवल पर शिविर लगाएंगे, और 14 तारीख के बाद हमारे स्टेट के जो भी लीडर हैं, वो सभी लीडर हर क्षेत्र का दौरा करेंगे, उत्तरवारी रूप में गहन दौरा होगा, हमारे माननीय तेजस्वी जी का गहन दौरा होगा इस मामले में, और किसान आंदोलन को मजबूत करना होगा, और बहुत मजबूत करना पड़ेगा कि जिस तरह पंजाब हरियाणा के किसान आज रोड पे हैं,
इस ठंडक में पड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग हमारे किसान जागरूक नहीं है और हमारे किसान को इस बात की खबर भी नहीं हो रही है वो क्या रहा है। तो जब तक इस बात को हम किसान तक नहीं पहुंचाएंगे, इसके मेरिट और डीमेरिट को नहीं बताएंगे, तब तक किसान भी इसको नहीं समझ पाएंगे। दूसरी बात है कि हम सभी लोग जात पात धर्म से ऊपर उठकर पहले किसान हैं, इस बात का ख्याल रखना। आज क्या स्थिति आपकी है।